एक, एक, एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था हाईवेज का नए एयरपोर्ट्स का मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था मैं तब भी आया था आज आई वॉज अमेज कि सच ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इंडिया को जानती तो है ना इंडिया के बारे में फैसला इंडिया के अंदर बन रही है हर चीज जितनी भी बड़ी इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जा रहे हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं भाई सऊदी ने पाकिस्तान को कर्जा देना था उन्होंने कहा नहीं भी हम नहीं दे रहे वो अपने आप को बहुत डॉमिनेट और पावर में फील कर हमें बहुत कीड़ा लाइक समझ रहे हैं और हमें बस निगेट करना चाह रहे हैं वो हम पे चढ़ना चाह रहे हैं की भारत जो है वो दुनिया की दो में तीसरी बड़ी इकोनोमी बनने जा रहा है टक्कर देगा जापान और जर्मन को आई फील देगा 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से 109 स्पेस स्टार्टअप्स फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एक लाख यहाँ से भारतीय सिटीजन इसराइल जा रहे हैं काम करने के लिए दुनिया है भाई क्या है? क्या छापते हैं इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखाए और आज आके सिर्फ ये रह जाता है हमारे पास और कोई खबर ही नहीं है दिखाने को आईएमएफ हमने आज से सोचो आज से कितना पहले हम लोगों ने अपनी कोई अचीवमेंट की कोई कामयाबी की वीडियो डाली भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है जितना वो इसराइल के साथ है और अमेरिका के साथ उनके अच्छे तालुकात है तो वो तो स तरक्की करेंगे ही जैसे हम दूसरे मुल्कों की तारीफ करते हैं ना हम चाहते हैं हमारे मुल्क की कोई और तारीफ हुकूमत में आएंगे हम इंडिया पे हमला कर देंगे हम हुकूमत में आएंगे हम कश्मीर लेंगे ले ले इंडिया पे हमला ये ये तो बांग्लादेश नहीं, नहीं, नहीं कर सकते यार जितना मर्जी जोर लगा ले इंडिया क्या इंडिया का मैं कहता एक आई का छोटा सा टुकड़ा भी दो हजार सत्ताईस में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर नमस्कार आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में दोस्तों पाकिस्तानी मूल के साजिद साहब जिनको आपने कई सारी वीडियो में सुना होगा वो अमेरिका के अंदर रहते हैं और इस समय वो भारत दौरे पर है और यहाँ पर वो उनको दो तीन दिन हो गए हैं तो उन्होंने यहाँ पर जो हाईवे का एक्सप्रेस का जो जाल देखा है जो डेवलपमेंट देखी है ना वो पाकिस्तानी मीडिया को बता रहे हैं कि भैया यहाँ तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है तो काफी मजेदार वीडियो होगी आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरी देखना

फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा एक छोटा सा एरिया वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट फिर मैं जयपुर गया वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा हाईवे मैंने सफर किया हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटर मोटरवे है वो भी वो भी कोरिया ने बनाई है और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा कल मुझे किसी ने बताया है यहां से कि चार चार ट्रैक की हाईवे जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है चार चार पांच पांच घंटे में हो रहा है और लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस जो परसों में लैंड किया यहाँ पे ट्वेंटी सेकेंड को जो ही मैं एक तो एक्सपर्टाइटेड एक मेरे लिए नो एग्जेजन नो एग्जेजन आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर उतरे तो दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है मैं और मेरे साथ जो दो दूसरे दोस्त थे अब बल्कि हम दो थे इकट्ठे दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं हम जो दो लोग थे हम तकरीबन हमें दस से पंद्रह मिनट लगे यहाँ एयरपोर्ट से लगज लेके बाहर निकल चुके थे और हम मुसलसल दोनों जो हम दोस्त हैं हम दोनों अमेरिकन हैं दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर और दोनों अमेरिका भारत पाका, पाकिस्तान यूरोप और इस तरह के चीजों को हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं छोटी सी मिसाल दिशा देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल तो मुझे पता चला 109 सौ नौ स्पेस स्टार्टअप है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से 109 सौ नौ स्पेस स्टार्टअप फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एक लाख यहां से भारतीय सिटीजन इसराइल जा रहे हैं काम करने के लिए वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी इसराइल क्या है स्टार्टअप स्टार्टअप टेक टेक जो टेक के है, उनके वो बादशाह है और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो पहले ही डिटरमेंट एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस वन हंड्रेड थाउजेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है और उसके साथ दूसरी चीज क्या है इनकी मनापली आई टी इंडस्ट्री और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर इस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं माल खत्म हो जाएंगे हर चीज डिलीवर होगी आ, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी जंगे जो होंगी होंगी वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है यहाँ मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो आ, चले छोड़े आप इनसे तो नफरते हैं आपकी आप जहां बैठे हैं आपके आपका इनके साथ नफरत का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड मौजूद है बांग्लादेश चल चलते जो आपका हिस्सा था हसीना भाजप ने अभी तक अपना वारस डिक्लेयर नहीं किया और आपको मैं बता चुका हूं कि आप क्या है आपके एक बंदे के नाम से भट्टो उतार दिया जाए तो उसका उसका पीछे बचता ही कुछ नहीं फैसला इंडिया के अंदर बन रही है हर चीज जितनी भी बड़ी इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जा रहे हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं भाई सोदी ने पाकिस्तान को कर्जा देना था उन्होंने कहा नहीं भी हम नहीं दे रहे अभी रमजान आया कुछ ए, एक डेढ़ माह एक माह बाद शायद रमजान आ रहा है पूरी दुनिया में चीजें सस्ती होंगी पाकिस्तान में आपको हर चीज डबल रेट में मिलेगी क्यों हमारी लाइक हम तो थक गए हैं यार मेरे पास अल्फाज नहीं है आपने कहा आई जी एफ से कर्जा लेके चीजें सस्ती कर देंगे अब हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए राहुल गांधी को यह पता है कि मोदी पैसे खाएगा नहीं इमरान खान को पता है कि ये पैसे खा जाएंगे क्योंकि मोदी जो भी है लेकिन पिछले दस साल से हमने इंडिया को नहीं देखा आप टेस्ला की बात बाद चंद्रयान की बात कर लें, आप बात बात कर लें। आप उसकी वो, तो वो लोग लो चले गए इंडिया के लोगों को देखो उनको पता कि हमने जिस बंदे को वोट लिया उससे हमने बेनिफिट लेना तो ही वो उसको वोट देंगे पाकिस्तान के अंदर ये नहीं आया उन्हें पचहत्तर साल पहले ही आ गया था उन्होंने जान चढ़वाई हमसे

क्या करे वो हमारे लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं कर्जे देता रहे वो हमें कर्जे देता रहे तो सऊदी अच्छा है अगर नहीं देगा देखिए हर कंट्री अपने मफाद के बारे में सोचती है और यही चीज मैटर करती है कि आप अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हो आज बांग्लादेश से हमारी नहीं बनती अफगानिस्तान से नहीं बनती ईरान से नहीं बनती उन्होंने अपने हर मुल्क के साथ तल्लु अच्छे रखे दीगा हैं होली कंट्री सोदिया का हक बनता है कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुक खत्म करते है इस्लामिक कंट्री हमारा भी हक बनता है चाइना के साथ खत्म कंट्री है लेकिन वहाँ वो तो मुकदस कंट्री है काबा माशाला वहाँ पर है तो ये चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए ना देखिए उनको अपने जब अब अब उनका ये देखिए शरिया शरियल नाफिजा वहाँ पर इस्लाम को वो फॉलो करते हैं आज भी चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है ये पिछले दिनों एक लड़के का सर कलम किया क्योंकि उसने गलत हरकत की थी वहाँ पर

आ, उनको आपने सुना है और वो यहाँ पर ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत की डेवलपमेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिस प्रकार से पिछले आठ दस सालों के अंदर भारत के अंदर जो हाईवेज़ बनाए गए एक्सप्रेस बनाए गए हैं और रेलवे की वो बात कर रहे हैं स्पेशली वो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं कि कैसे भारत के अंदर जो है ना एयरपोर्ट बनाए गए हैं और वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है उसको लेकर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भारत के अंदर किस प्रकार से काम किया जा रहा है उसको लेकर भी वो यहाँ पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ में पाकिस्तान की तुलना भी वो करते हैं और वीडियो के भी एंड में आपने पाकिस्तानियों से पाकिस्तान के हालात के बारे में भी आपने सुना है कि किस प्रकार के पाकिस्तान के हालात हैं जहाँ पर हर दो तीन महीने के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आई के पास जाना पड़ता है तभी पाकिस्तान जो है ना वो बचा हुआ है नहीं तो कब का वो डिफ़ॉल्ट कर जाता लेकिन अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि दो के अंदर जो है ना पाकिस्तान को लगभग चौबीस से छब्बीस बिलियन डॉलर जो है ना कर्ज़ की जो रकम है वो उस, उसको चुकानी है तो उसकी उसका भी जुगाड़ पाकिस्तानियों को बिठाना है पाकिस्तान को सरकार को बिठाना है लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर काफ़ी दिन गुजर गए चुनाव हुए लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट का ही पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो ये हालात इस समय पाकिस्तान के चल रहे हैं बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद